बिलासपुर में आयोजित कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सभा में कवासी लखमा ने एक बार फिर अपने बयान से लोगों की जमकर तालियां बटोरी। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए बीजेपी के महतारी वंदन योजना पर लखमा ने कहा कि भाजपा के 1,000 रुपए में गुड़ाखू और चेप्टी भी नहीं आती, कांग्रेस 1 लाख देगी उसमें चेप्टी ही नहीं बम्पर आ जाएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को चुनाव प्रचार के लिए बिलासपुर में आम सभा ली। उनके आने के पहले पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने बीजेपी और पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। अपने भाषण में पीएम मोदी की मिमिक्री करते हुए भाइयों और बहनों बोलकर सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने महतारी वंदन योजना पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा का चश्मा मोटा हो गया है क्या, 1,000 में ना तो महीने का गुड़ाखू आता है और ना ही बस्तर में चेप्टी की बोतल आती है। गो को मिला तो चाच को नहीं, 1,000 मिला, 1,000 5 महीना में 1,000। भारतीय जनता पार्टी वाले 5 महीनों को 1 महीना बोलते क्या, इनका चश्मा मोटा हो गया क्या? तो इसलिए इनको सपना सिखाना है, इनको चबाक सिखाना है, नहीं सिखाना है क्या? 1,000 मिल रहा है तो किस काम का है? हमारा छत्तीसगढ़ का महिला पीला मोहन गुड़ाकू करते है, गुड़ाकू तो गुड़ाकू भी नहीं पुरता है रे। हमारा बस्तर के छत्तीसगढ़ में पीते है सेफ्टी, एक सेफ्टी भी तो नहीं आता है। आज वो विष्णुदेव साहब चेप्टी का भी रेट बढ़ा दिया, वो पहुंचे 1,000 में चेप्टी। आज मैं बताता सुनो, राहुल गांधी ने देवे दिया है मंच में बोटे, कांग्रेस का नेता लोग ने 1,000 नहीं 12,000 नहीं, हमारा माता मन को 1,00,000 रुपए देंगे, 1,00,000।